आपके लिए कलेक्टर कलेक्टर हैं, लेकिन आप जानते हो कि वो वहाँ के आदेश का पालन करेंगे, हमारी बात का पालन करेंगे। आस्थापूर्वक आते हैं उन कलेक्टर तो है ना। आज अगर कोई ऊपर के आदेश के विरुद्ध या भावना के विरुद्ध कदम उठा लें तो नौकरी भी चली गई या ट्रांसफ़र तो कर ही दिए जाएंगे। कलेक्टर आते हैं अपनी आस्थापूर्वक आते हैं, इसका अर्थ नहीं कि कलेक्टर के मस्तिष्क स्वयं काम करे, उनको जो आदेश होगा उसके साथ से उनका मस्तिष्क काम करेगा ना। क्या केवल पुरी को लेकर ही हम चिंतन करते हैं या पुरी के विकास या मठ के विकास को लेकर, ऐसा तो नहीं है। हमसे लाभ उठाने की क्षमता पुरी वालों में होनी चाहिए, यहाँ के सरकार में होनी चाहिए। हमारा मस्तिष्क केवल पुरी को लेकर काम नहीं करता, मठ है ये तो ठीक है, इसके उत्कर्ष के लिए शासन तंत्र के हृदय में, शासन तंत्र के पास कोई अभियान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, उस ढंग की आस्था भी नहीं है। क्या वो आप लोगों का काम है ना कि मठ बचेगा तो हम बचेंगे? क्या मठ बचेगा तो हम बचेंगे? हमारी आस्था के केंद्र आदि शंकराचार्य न होते तो जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा भी किस प्रकार हुई होती? श्री जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा तो आदि शंकराचार्य ने की ना। अभी कौन थे? मैंने कहा था कि मैं बैद्यनाथ धाम जाता हूँ, कहाँ? देवघर झारखंड में है। पंडे पुजारी सत्संग का आयोजन करते हैं, मंदिर के प्रांगण में मेरा प्रवचन होता है। रामेश्वरम जाऊँ वहाँ भी यही होता है, पशुपतिनाथ नेपाल में जाऊँ वहाँ भी यह होता है। क्या पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में मैं प्रवचन कर सकता हूँ? सबसे घटिया स्तर तो पुरी का बना के रखा है आप लोगों ने, पुराना माना होली है, ध्यान गया? मैं नेपाल में पाठ कहाँ पशुपतिनाथ, वहाँ के पंडे पुजारी अधिकारी सब के सब, अच्छा बैद्यनाथ बद्रीनाथ गया, वहाँ के पंडे पुजारी अधिकारी सब के सब मंदिर के प्रांगण में हमारा कार्यक्रम रखते हैं। देवघर में भी यही होता है सब जगह, पर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में मैं प्रवचन कर सकता हूँ? मुक्ति मंडप हमारे हैं, न्यायपीठ है, अभी तो कोई सूचना नहीं है कि उन मठों में सबसे मूर्धन्य मठ पुरी पीठ है, इसका भी विकास होना चाहिए। हमारी जानकारी में कुछ नहीं है, पहली बार आपसे सुन रहे हैं कि सरकार का ध्यान मंदिरों के विकास की ओर गया है। तो ये सही होना चाहिए या नहीं? अरे वोट बैंक के लिए मंदिर की जरूरत हो मंदिर ले लो, जरूरत हो तो चर्च ले लो, जरूरत हो तो मस्जिद ले लो, वोट बैंक के लिए क्या जिसकी हवा चले उसी से लाभ उठा लो। जी।